तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अगर किसी ने हमें इस टाइम यूं अकेले देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी? यही कि तुम्हारी आप ही है। प्लीज आओ, मैं एक मिनट बाइक अंदर कर लूं। थैंक यू। एक मिनट में बात करता हूं। चले। मैं आंटी को क्या बोलूंगी कि मैं यहाँ पे इस टाइम क्यों आई हूँ? आप कुछ भी बहाना कर देना अम्मी से। Come on यार, एक तो तुम परेशान बहुत जल्दी हो जाती हो। अब तुम्हारी वजह से मैं घर आया हूँ तुम्हारा असाइनमेंट लेने के लिए। पूरी रात मैंने झाक कर तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट किया है। हाँ, लेकिन तुम मुझे असाइनमेंट सुबह भी तो दे सकते थे ना। अभी यहाँ हाँ दे सकता था, लेकिन शोर तो तुम ही मचा रही थी ना कि मुझे असाइनमेंट दो असाइनमेंट दो। अब तुम्हारी वैसे घर आया हूँ यार, वो तोड़ दी की तो बात है। अम्मी से कुछ भी कह देना, एक काम करना, कहना कि आई वहां से मिलने के लिए आई हूँ और असाइनमेंट लेंगे फिर फोन चले आएंगे। क्यों प्लीज चले आओ आओ। आ जाओ। मैं आज तुम्हें आयमा और अम्मी से मिलवा रहा हूँ। घर में कोई नजर नहीं आ रहा है। आयमा, अम्मी, हाँ आई थिंक ये लोग मार्केट गए होंगे, मुझे याद है। हाँ तो हमें भी चलना चाहिए ना, तुम असाइनमेंट लेकर आ जाओ जल्दी से। क्यों डर रही हो? नहीं, तुम मुझसे डर रही हो? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं अकेले में तुम्हारे साथ मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अगर किसी ने हमें इस टाइम यूं अकेले देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी? यही कि तुम्हारी आप ही है। तुम यहां क्या कर रही हो? वो मैं आप ही मैं आयमा से मिलने आई हूं। वो इसका असाइनमेंट घर पे रह गया था, हम लोग वो लेने के लिए आए थे और आयमा भी दो तीन बार बोल चुकी थी तो सोचा इसे आयमा से मिला दूं। लेकिन आयमा और आंटी घर पर नहीं है। आंटी और आयमा बाजार गए, सुबह वो लोग बात कर रहे थे इसलिए मैंने सुन लिया। आज शाम को गेस्ट आ रहे हैं आयमा को देखने के लिए, इसीलिए मैं घर जल्दी वापस आ गई। ये सब कुछ तो मुझे नहीं मालूम था ना। आप चाहे तो अम्मी से कॉल करके पूछ लें, इसलिए मैं चलो तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नहीं आपी, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, असाइनमेंट भी तो देना है। अब मैं तुम्हारा असाइनमेंट लेकर आता हूँ।